तो हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं हूँ एक्ट्रेस शिवी और आज आप सबको हम एक बहुत ही ख़ास टीचर से मिलवाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं उनका स्कूल, जिसका नाम है आरके एकेडमी और आरके एजुकेशन सेंटर के नाम से उनका स्कूल चलता है। तो चलते हैं और दिखाते हैं कि वो हमारे लिए कितने ख़ास है सर, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ भी मतलब बहुत सहयोग किया हमारी पढ़ाई में और बाकी चीज़ों में। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है। तो फाइनली गाइस, अभी हम लोग आरके एजुकेशन सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं और आपको बाहर से भी दिखाते हैं कि स्कूल कैसा है और अंदर से भी दिखाएंगे, ठीक है। तो दिखाते हैं आप। ये मेन गेट है और ये पूरा वहाँ तक जाता है स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल है। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग श्री आर के एजुकेशन सेंटर में आ चुके हैं और अभी सर से मिलने जा रहे हैं और सारी चीज़ें आपको सर खुद अपने आप से बताएंगे। और तो मिलते हैं सर से हम लोग और चलते हैं अंदर क्लास में, सर हमारे एक्चुअली अंदर बैठे हुए हैं। चलते हैं सर के ऑफिस में और ये है हमारे सर का ऑफिस और मिलते हैं सर से चल के और सर अपने बारे में सारी चीज़ें बताएंगे, स्कूल के बारे में बताएंगे, बच्चों के बारे में बताएंगे और बच्चों से भी आपको मिलवाएंगे थोड़ी देर में। तो चलते हैं सर के पास में और पूछते हैं सर से कि ये स्कूल कब पढ़ा, कैसे पढ़ा और किसने सर ने स्कूल स्टार्ट किया, किस माध्यम से। तो चलते सर। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो सर आज हम आए हैं आपके स्कूल, तो आज आप अपने स्कूल के बारे में बताइए कि आपका स्कूल कब पढ़ा, कैसे पढ़ा, किस माध्यम से आपने इस स्कूल को मतलब स्थापित किया और मतलब क्या चाहते हैं आप बच्चों से और क्या करना चाहते हैं आप स्कूल के लिए। आयुषी, मैंने ये अपनी ज़िंदगी का मेरा मकसद था कि मैं टीचिंग करूँ, मास्टरी करूँ। जी सर। तो मैंने बहुत पढ़ाई की थी, मैंने BSc, BEd, MEd, MA डिग्री कॉलेज के लिए पढ़ा था। चार डिग्रियाँ मेरे पास 1977 में थी और मैं सेंट बालिका में एडहॉक लेक्चरर था, लेकिन मेरी नौकरी पक्की ना होने की वजह से उसी समय पुलिस में सब इंस्पेक्टर, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर हो गया और फिर मैं तरक्की करके इंस्पेक्टर के घरों को खुशहाल रहा और फिर मैं 2016 में रिटायर होके मैं आ गया रिटायर होके। तो फिर मैंने उसी बीच मेरे शादी हुई, बच्चे हुए और बच्चे मेरे बड़े बड़े अधिकारी हैं, मेरा लेफ्टिनेंट कमांडर है NDA से, एक बेटा बिल्कुल अब्दुल कलाम है, वो रिसर्च कर रहा है लाइफ साइंस पे, कोरोना वोरोना वायरस पर रिसर्च करता है पांडिचेरी में। तो बेटी है मेरी वो बॉम्बे में है, वो भी MBA और लॉ करके वहाँ जॉब कर रही है। तो वो जॉब कर रही है, सब बच्चे वहाँ हैं। और तो मैंने रिटायरमेंट के बाद चूँकि इतनी शिक्षा थी तो मैंने सोचा कि इस शिक्षा को इसका यूज़ किया जाए रिटायरमेंट का। तो मैंने ये विद्यालय पहले इस्टेब्लिश कर दिया था, लेकिन इसको हमने 2016 के बाद इसको हमने नियमानुसार सरकार से मान्यता लेके 8वीं तक इसको हमने इंग्लिश मीडियम चलाया। मेरे इस पर विद्यालय चलाने का कोई उद्देश्य नहीं है कि पैसा कमाना नहीं है, बल्कि केवल मात्र उद्देश्य है कि गरीब बच्चों को पढ़ाएं। मैं करीब 12 बच्चे यहाँ ऐसे हैं जिनकी मैं सारा खर्चा भी उठाता हूँ, किताबें देता हूँ, सब कुछ बासी बच्चे जो दे देता हूँ ले लेता, केवल मैं उतना पैसा देता हूँ जिससे कि टीचर की तनख्वाह दंड दे। और अगर आप मेरे स्कूल के में कुछ गरीब बच्चों को अगर भेजेंगे जिनको पढ़ने लायक नहीं है, जिनके पास उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, जो नहीं पढ़ सकते, तो मैं उनको उनका खर्चा स्वयं उठा लेता हूँ और उनको सारी सहूलियत दे देता हूँ। यही मेरा है और जब तक जीवन है तब तक मैं ये सब करता रहूँगा। मेरा उद्देश्य यही है कि गरीब बच्चों की पढ़ाई हो जाए, हाल घूमना घूमना देश में बोझ ना हो। तो जैसा कि सर ने हम सबको बताया कि सर का माध्यम सिर्फ बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाना है और यहाँ पे सर ने बहुत सारे गरीब बच्चों का पूरी तरह से खर्चा उठाया हुआ है, उनके घर से लेकर स्कूल तक का पढ़ाई लिखाई, कॉपी किताबें, हर चीज़ का सर ने खर्चा उठाया हुआ है। और सबसे ख़ास बात बता दें कि सर ने हमें भी पढ़ाया है, वो भी विदाउट फीस। सर ने पढ़ाई में हमारी बहुत सहयोग किया, बहुत बहुत ज़्यादा सहयोग किया है। तो सर के लिए
आपको जो भी हम लोग कहें वो कम है, और कोशिश करिएगा कि जो भी हमारे यहाँ पे मतलब गरीब बच्चे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो सर के स्कूल में भेजें। ये श्री आर के एजुकेशन सेंटर करके है, दहली सुजानपुर में स्कूल पड़ता है। इसका पूरा एड्रेस हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो जिसको भी एडमिशन कराना सर के स्कूल में तो आप लोग आ सकते हो। और मतलब जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं वो यहाँ पे फ्री में बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा आप लोगों का। तो अभी यहाँ के बच्चों से मिलते हैं और पूछते हैं कि उनकी क्या राय है सर के बारे में। ठीक है, चलते हैं। पहले चलते हैं हम लोग क्लास 8th में। हाय गाइस, हेलो, हाय। तो ये है क्लास 8th, चलते हैं बच्चों से बात करने। तो आप सब लोग क्लास 8th में, कौन पढ़ाते हैं आपको क्लास 8th में? मैम पढ़ाती। सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर मैथ और साइंस पढ़ाती। कैसा पढ़ाते हैं सर? कौन सा पढ़ाते हैं? तो सर के स्कूल में आप सबको पढ़ के कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो सर के लिए सब लोग क्लैपिंग करो। बाय। हम आपको सारी क्लासेस दिखाएंगे और छोटे बच्चे जो हैं सबसे मिलवाएंगे आपको, क्योंकि एक छुट्टी का भी टाइम हो चुका है। जो चलते हैं सब पूरी क्लासेस दिखाते हैं और मिलवाते हैं बच्चों। फर्स्ट क्लास। तो जैसे कि आप सबने देखा सर के स्कूल में 1-8 क्लास के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जो कि रजिस्टर्ड स्कूल। और बाकी कोचिंग भी सर पढ़ाते हैं सारे समय में और शाम के टाइम को। और 9th 10th फर्स्ट स्टैंडर्ड जिसको भी मतलब बड़ी क्लासेस में हैं उनको भी सर कोचिंग पढ़ाते हैं। तो जिसको भी मतलब यहाँ पे पढ़ना है और जो गरीब वर्ग के बच्चे खास तौर पे उनके लिए है, तो जल्दी जल्दी से आप लोग को आना पड़ेगा यहाँ पे। और मतलब यहाँ पे हर तरह की शिक्षा आपको मिल सकती है, और PG LKG UKG और किसी भी क्लास के बच्चे हो, वर्ल्ड फर्स्ट मतलब PG से इंटर तक के बच्चे यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। तो चलते हैं आगे। हाय बोलो हमारे ब्लॉग चैनल को और सबको हाय बोलो इसमें पहले। तो सर इनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं आप सबको, तो सर की जुबानी सुनते हैं हम लोग। ये बच्चे मैं बहुत छोटे थे इन लोगों को मदद कर रहा हूँ, और ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। और इनको तो ये दो भाई बहन है, जब ये करीब 6 साल से मैं इनका पूरा खर्चा उठाता हूँ, इनकी माँ घरों का काम करती थी, इससे मैंने सोचा ये बच्चे बिना नहीं। तो सर ने जैसा कि आपको बताया कि अभी दो बच्चियाँ हमने आपको दिखाई, ये जब मतलब 5-6 साल के बच्चे थे तब से यहाँ पे हैं और यहीं पे रहते हैं। सर ने इनको बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी और हर तरह से सर ने बच्चों को सपोर्ट किया पढ़ाई में, हर चीज़ में। कभी इतने छोटे थे और अभी बहुत बड़े हो चुके हैं, तब भी सर के साथ में हैं। तो अभी हम लोग सर से आए। तो बच्चों आप सबको इस स्कूल में कैसा लगता है पढ़ने में? मज़ा आता है पढ़ाई करने में? टीचर्स अच्छे से पढ़ाती हैं? ठीक है, तो अब सब लोग सर के लिए क्लैपिंग करो, क्योंकि सर ने आप लोगों के लिए इतने अच्छे सबको पढ़ाते हैं। और टीचर्स के लिए भी क्लैपिंग करो, क्योंकि वो लोग आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं। ठीक है, सब सबके लिए क्लैपिंग करो। और अब इसमें बोलो कि सब लोग इस ब्लॉग को लाइक और कमेंट जरूर कर देना, बोलना। हाँ, तो गाइस जैसा कि आप सबको बच्चों ने बोला कि लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और इसी तरह का अच्छे से व्लॉग आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।